हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शर्ट की ड्राफ्टिंग के बारे में, जो है आपके जेंट्स गारमेंट। शर्ट की ड्राफ्टिंग में हम सारे शर्ट के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका फ्रंट, बैक, योक, स्लीव, कफ, कॉलर, इन सारे पार्ट्स की ड्राफ्टिंग के बारे में जानेंगे। शर्ट बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है, बट इसके अंदर जो स्टाइल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। जो बैक पार्ट होता था उसके योक पार्ट में प्लीट्स वगैरह भी यूज होती थी, लेकिन आजकल सिंपल भी आती है और शॉर्ट शर्ट भी हो चुकी है। पहले लॉन्ग शर्ट होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा शॉर्ट रखा जाता है। स्टाइल के पर्पज से देखें तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग आज हम सिंपल ड्राफ्टिंग देखेंगे कि सिंपल शर्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं और इसे अच्छे से समझ लेंगे। अगर हमें सिंपल आ गई तो हम जो भी स्टाइल है या फिर जो भी आप दूसरा डिजाइन करना चाहते हैं उसमें भी चेंजेस थोड़ा बहुत करके आप उसे तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो बैक पार्ट में आपको प्लीट्स नहीं डालना तो आप प्लीट्स ना करें, सिंपल कट कर लें। अगर कॉलर बड़ा करना चाहते हैं, कफ बड़े रखना चाहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आप अपनी ड्राफ्टिंग में या फिर आप जो भी स्टाइल बनाना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो आज हम जो ड्राफ्टिंग देखेंगे वो बेसिक शर्ट की ड्राफ्टिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी ड्राफ्टिंग, किसी भी ड्राफ्टिंग को तैयार करने के लिए या फिर कोई भी ड्रेस तैयार करनी होती है तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, आपका मेजरमेंट। जो भी मेजरमेंट चाहिए, किस अकॉर्डिंग उसे तैयार करना है, कितनी लेंथ होगी, कितना आपका चेस्ट होगा, वो आपके मेजरमेंट्स में आते हैं। तो हमें जो शर्ट के मेजरमेंट्स चाहिए वो आपके यहाँ पर है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमको फुल लेंथ चाहिए, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर, योक की लेंथ, जितनी भी आपको योक रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 इंचेस रखा है, आप थोड़ा चाहे तो ज्यादा भी रख सकते हैं। नेक, स्लीव लेंथ और स्लीव राउंड। स्लीव राउंड आपके फुल होगी जहां पे आपका कफ अटैच होगा वहां पर। और ये है आपके फ्रंट की ड्राफ्टिंग, बैक ड्राफ्टिंग और ये योक पार्ट की ड्राफ्टिंग है। पहले हम इतनी ड्राफ्टिंग के बारे में बात करते हैं, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो फिर आपके स्लीव की, कफ की और कॉलर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके फ्रंट की ड्राफ्टिंग से। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर जो भी आपके शर्ट की लेंथ है उसका, तो ये है आपके 0 से लेकर के जो 1 है वो आपके है फुल लेंथ प्लस फोल्डिंग। अब फोल्डिंग में आप देखेंगे जो शर्ट की फोल्डिंग होती है नीचे से, बॉटम फोल्डिंग, वो बहुत ही बारीक होती है, मतलब पतली सी होती है, तो उसमें आप 1/2 इंचेस भी रख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं तो 1 इंच की फोल्डिंग रख लीजिए। बट यहाँ पर हमने जो फुल लेंथ है उसके अंदर 1/2 इंच की ही फोल्डिंग रखी है, तो वो उसी के साथ अटैच कर दिया। यहाँ पे कोई भी फोल्डिंग की लाइन शो नहीं की है। उसके बाद आपको यहाँ से 1 जो आपका 0 है उससे 0 डैश है वो आपका 1 या फिर 2 इंचेस रखेंगे। ये हमने इसलिए रखा है जो भी हमको शर्ट की बटन पट्टी लगानी है या काज पट्टी करनी है उसके लिए, तो ये आपके अंदर साइड में फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 1 इंचेस या 2 इंचेस जितना आप चाहे उतना रख सकते हैं। उसके बाद 0 से लेकर के जो 2 है वो आपका 1/4 चेस्ट, जितनी भी चेस्ट है उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 0 से लेकर के 2 नंबर पॉइंट। 0 से लेकर के जो 3 है वो है आपके 1/6 नेक, जितनी भी आपके नेक दे रखी है, यहाँ पर 15 इंच दे रखी है, उसको आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 0 से लेकर के 3 नंबर पॉइंट आ जाएगा। वरना आप चेस्ट का 12 भी कर सकते हैं तो भी उतना ही पॉइंट आएगा जितना आपका यहाँ पर नेक का डिवाइड करने पे आएगा। उसके बाद 0 से लेकर के जो 4 नंबर पॉइंट है उसमें आप 1/6 नेक प्लस 1/2 इंचेस करेंगे। जैसे आपका अगर मान लो 2.5 आता है नेक का 6th, तो आप क्या करेंगे उसके अंदर 1/2 इंच और प्लस कर देंगे तो आपका 0 से लेकर के 4 नंबर पॉइंट आ जाएगा। फिर आपके शोल्डर वाली लाइन है, जैसे 0 से लेकर के जो 5 नंबर पॉइंट है वो आपके शोल्डर लाइन है, तो वो होगी आपके 1/2 ऑफ शोल्डर प्लस 1/4 इंच, जितनी भी शोल्डर दे रखी है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद उसके अंदर 1/4 इंच प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 5 नंबर। अब जो हमने 1/4 प्लस किया, ये इसलिए किया क्योंकि जब भी हम शर्ट देखते हैं तो शर्ट आपके जो शोल्डर पार्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है हमेशा, तो इसलिए यहाँ पर हमने 1/4 इंच प्लस किया है। फिर 2 से लेकर के जो 9 नंबर पॉइंट है वो है आपके 1/4 चेस्ट प्लस 2 इंचेस, जितना भी 1/4 चेस्ट आएगा उसके अंदर 2 इंच प्लस कर देंगे। ये जो 2 इंच है ये आपके इज अलाउंस है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 इंचेस प्लस किया है। 5 से लेकर के जो 7 नंबर पॉइंट है वो आपके 5 से जो 6 है उसका
1/4 हो जाएगा। जितना भी 5 से लेकर के 6 को मेजर करेंगे, फिर जो भी पॉइंट आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 5 से लेकर के 7 आ जाएगा। ये जो 5 से 7 नंबर पॉइंट लिया है ये हमारा शोल्डर डाउन है। फिर 6 से लेकर के जो 8 नंबर पॉइंट है वो है आपके 1/4, या फिर आप हाफ भी ले सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए। मतलब ये सिर्फ आपके आर्म होल की जो शेप देनी है उसके लिए पॉइंट लिया है, ताकि आपकी जो शेप आएगी वो एक्यूरेट आए। इसलिए यहाँ पे 1/4 ले लो या फिर आप हाफ इंच ले लीजिए। तो 6 से लेकर के 8 आप 1/4 या फिर हाफ इंच। फिर आपका जो 9 से लेकर के 10 है वो है आपके 1/4 चेस्ट। जितनी भी आपके चेस्ट दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करके तो आपका ये 9 से लेकर के 10 नंबर पॉइंट आ जाएगा। 10 से जो 12 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर आपके 12 नंबर पॉइंट है तो वो होगा आपका हाफ इंचेस। ये आपके सिर्फ वेस्ट की शेप देने के लिए किया गया है। फिर 13 नंबर पॉइंट है वो आपके 10 से 11 का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये जो हमको हल्की सी शर्ट में शेप देनी है उसके लिए किया गया है। और सेम 11 से जो 14 नंबर पॉइंट है वो हो जाएगा आपका 1/8 चेस्ट। जितनी भी चेस्ट है उसको 8 से डिवाइड करने के बाद 11 से लेकर 14 तक का पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट इसलिए दिया है ताकि जो आपके शर्ट के नीचे बॉटम के शेप देनी है उसके लिए ये पॉइंट से निकाले गए हैं। और 2 से लेकर के जितना 9 है उतना ही 1 से लेकर के 11 भी रहेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये थी तो हमारे पूरे फ्रंट की ड्राफ्टिंग होगी। अब इसके अंदर जो पॉकेट मार्क दे रखा है उसका देख लेते हैं। 2 से लेकर के 17 है जो वो आपका 2 इंचेस पे है, और जो 17 से 18 है वो आपका 1/8 चेस्ट है। प्लस फिर सेम हो जाएगा आपका 17 से जो 17 डैश दिख रहा है वो आपका 1/8 चेस्ट प्लस हाफ इंचेस हो जाएगा। सेम आपको जितना 17 से 18 है उतना 17 डैश से 18 डैश हो जाएगा और ये सारे बॉक्स बन जाएगा। तो ये तो था आपका पॉकेट मार्क, जो शर्ट के जो फ्रंट में देखते होंगे पॉकेट लगी होती है उसका। तो आपको हमेशा ये रखना है कि जितनी भी आपकी बटन पट्टी है वहां से लेकर के जहाँ पॉकेट अटैच करनी है वो आपके या तो 2 इंचेस पे होनी चाहिए गैप, या फिर 2.5 पे गैप होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा दूर कर देंगे तो वो आपके आर्म होल साइड में हो जाएगी। इसलिए आप इसको जब भी मेजर करें तो वो सही होना चाहिए। अब हम बैक की ड्राफ्टिंग देखते हैं। बैक पार्ट से पहले हम योक पार्ट की ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। तो ये जो आपके 17 से लेकर के 18 नंबर पॉइंट है ये तो हो जाएगा आपका 1/8 चेस्ट, और जो 17 से लेकर के 19 है वो आपका सेम रहेगा हाफ ऑफ शोल्डर प्लस जितना आपने यहाँ पे 0 से लेकर के 5 के लिए किया है। अगर हाफ इंच प्लस किया है या 1/4 प्लस किया है तो वो आपका यहाँ पे वही प्लस हो जाएगा हाफ ऑफ शोल्डर के साथ में। सेम है 19 से लेकर 20, जितना आपका 17 से 18 है उतना ही रहेगा। और जो 19 से 24 है वो भी आपका जितना यहाँ पर हमने 5 से 7 लिया था वही गैप रहेगा। फिर 17 से 21 है वो आपके 1/6 नेक। उसके बाद 17 से जो 22 है वो आपके 1 इंचेस पे रहेगा, क्योंकि जब भी हम कॉलर लगाते हैं तो बैक की जो साइड होती है नेक की वो या तो 1 इंच होती है या फिर हाफ इंच होती है, तो वो आप उस अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। उसके बाद जब आप शोल्डर अटैच करेंगे तो हमेशा आपका जो बैक का जो योक पार्ट है उसके अंदर हल्का सा आर्म होल के साइड में हल्की सी बाहर जाएगी, तो वो जो होगा 23 से जो 24 है वो आपका हो जाएगा 1/8 इंच। मतलब या तो आप 0.5 सेंटीमीटर रख सकते हैं या 1/8 इंच रख सकते हैं, तो उतना ही सफिशिएंट होता है। उसके बाद ये आपके अटैच हो जाएगी 20 से। बाकी यहाँ पे ऑन फोल्ड रहेगा, और जो योग पार्ट होता है उसकी ग्रेन लाइन जो होती है वो आपके क्रॉस ग्रेन होती है, और योग पार्ट हमेशा डबल उसमें कट होता है, सिंगल कपड़ा नहीं लगता है, उसके अंदर आपके डबल फैब्रिक यूज होते हैं, तो यहाँ पे इसलिए कट 2 दे रखा है। और जो फ्रंट की ग्रेन लाइन थी वो आपकी स्ट्रेट ही रह जाएगी, लेकिन इसमें ऑन फोल्ड नहीं रहेगा। अब अपने बैक का देखते हैं। बैक पार्ट में आप लोगों को क्या करना है कि जैसे 0 से लेकर के जो हमारा 15 है वो तो आपके फुल लेंथ प्लस फोल्डिंग माइनस योक हो जाएगा, क्योंकि हमारे बैक पार्ट में योक पार्ट लग रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, आप फुल लेंथ में से योक पार्ट माइनस कर देंगे और फोल्डिंग प्लस कर लेंगे। फिर जो 0 से लेकर के 5 है वो आपके सेम रहेगा, जितना आपने 18 से 20 लिया होगा वही आपका 0 से लेकर के 5 रहेगा। 5 से जो 7 है वो आपके 0.5 इंचेस डाउन करेंगे, और 0 से जो 5 का मिड पॉइंट होगा वो आपके 4 नंबर पॉइंट होगा। ये हल्की सी शेप देनी है क्योंकि योक पार्ट जब अटैच करते हैं तो वो हल्का सा सल ना पड़े, मतलब गैदर्स ना पड़े, उसके लिए हमने यहाँ पे हल्का सा शेप दिया है।
और बाकी आपके सेम पॉइंट्स हैं, जैसे जीरो से जो टू से नाइन है वो आपका टू से जो फ्रंट का टू से नाइन है वही रहेगा, जो टेन नंबर पॉइंट है वो आपके नाइन से इलेवन का जो मिड पॉइंट था सेम जो आपके फ्रंट में पॉइंट्स रहे वही आपके सारे बैक में भी पॉइंट्स रहेंगे। बस यहाँ पर यही चीज एक मेन है कि आपको योग पार्ट अटैच करना है, तो बस फुल लेंथ में से आप योग पार्ट माइनस कर लेंगे और जो आपको यहाँ पे हल्की सी शेप देनी है बस वही चीज ऐड होगी, बाकी आपको कोई चीज ऐड नहीं करनी है। और जो इसकी ग्रे लाइन है वो आपके स्ट्रेट रहेगी और ऑन फोल्ड पे रहेगा। अब जो जीरो से लेकर के ए देख रहे हैं आप, ये हल्की सी मैंने प्लेट्स के लिए रखा है, जिसे पुराने जो भी जेंट्स शर्ट पहनते थे उसके अंदर जो बैक पार्ट होता था उसके योग पार्ट में हमेशा आपके प्लीट्स डलती थी, तो वो प्लीट्स डालने के लिए हमने यहाँ पर 2 इंच या फिर 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लेंगे जो आपके प्लीट्स के लिए रहेगा। तो ये तो आपके फ्रंट बैक और योग पार्ट की ड्राफ्टिंग है, आप यहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हैं और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब इसके आगे इसके इंस्ट्रक्शंस भी हैं। अब यहाँ पर जो भी आपको फॉर्मूले बताए गए हैं ड्राफ्टिंग में, जैसे फ्रंट का जो भी आपके ड्राफ्ट थी उसके फॉर्मूले हैं, आप यहाँ पे बैक पार्ट के भी फॉर्मूले सारे नोट डाउन कर सकते हैं और ये योग पार्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं उसके साथ में उसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं और उसे इजिली समझ भी सकते हैं। अगर इन फॉर्मूलों में या फिर जो मैंने बताया हो उसमें कुछ मिस्टेक होगी तो वो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मिस हो जाए बताते समय, तो आप यहाँ से इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आगे हमारी जो स्लीव है कॉलर की ड्राफ्टिंग, यहाँ पर आपके जो भी स्लीव्स दे रखी है उसकी ड्राफ्टिंग दे रखी है और आपके ये जो कफ पार्ट ऐड किया है हमने वो है, और ये आपके शर्ट कॉलर है। शर्ट कॉलर हमेशा दो पार्ट्स में अटैच होते हैं, एक तो आपका स्टैंड होता है और ऊपर आपके फ्लैप साइड लगती है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों पार्ट्स दे रखे, देखिए ये आपका फ्लैट साइड है और ये आपके स्टैंड कॉलर है। शर्ट की जब भी हम स्लीव लगाते हैं तो उसके अंदर हमें कफ अटैच करना होता है और आपके प्लीट्स जो आपके प्लैकेट होती है वो लगती है जो आपके फ्रंट साइड में होती है, जैसे हम बटन यूज करते हैं उसके लिए हमको प्लैकेट यूज करना जरूरी हो जाता है, तो वो भी पॉइंट्स आपके यहाँ पे दे रखा है। तो अब हम शर्ट की जो स्लीव पार्ट है उसकी ड्राफ्टिंग को अच्छे से समझ लेते हैं कि उसकी कैसे ड्राफ्टिंग की जाएगी। पहले तो हम लेंगे जो आपका जीरो से लेकर के टू नंबर पॉइंट है वो हो जाएगा आपका फुल लेंथ ऑफ शर्ट स्लीव माइनस कफ, जितनी भी आपके कफ है उसको आप माइनस कर देंगे स्लीव लेंथ में से। अब मेजरमेंट्स आपके जो स्टार्टिंग में मैंने दे रखे हैं वहां से आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसे तैयार करिएगा। जो जीरो से लेकर के ए नंबर पॉइंट है वो हो जाएगा आपका 1/4 चेस्ट माइनस 1/4 इंचेस, जितनी भी चेस्ट आपके 4 से डिवाइड करने पर आएगी उसके अंदर आप क्या करेंगे 1/4 इंच माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका जीरो से लेकर के ए नंबर पॉइंट। जीरो से लेकर के वन में आपको क्या करना है, जितना भी चेस्ट है उसको आप 8 से डिवाइड कर देंगे और उसके अंदर 1 माइनस 1/4 इंच कर देंगे, तो वो आ जाएगा आपका जीरो से लेकर के वन, और सेम ही होगा ए से लेकर के जो 4 है वो भी आपका सेम पॉइंट रहेगा, और जितना आपका जीरो से लेकर के ए है उतना ही 1 से लेकर के 4 रहेगा और उतना ही 2 से लेकर के 3 भी रहेगा। अब आप ये सारा एक साथ अटैच कर लेंगे ये बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद 5 0 से लेकर के जो 5 नंबर पॉइंट देख रहे हैं ये हम क्या करते हैं आर्म होल की जो शेप होती है उसके लिए ये पॉइंट निकाल रहे हैं, तो वो होगी आपके 1.5 इंचेस में। फिर आप क्या करेंगे 5 से और 4 को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देंगे, और जो 4 से लेकर के 7 देख रहे हैं वो हो जाएगा आपका 1/12 चेस्ट, जितनी भी चेस्ट आएगी उसको आप क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका 4 से लेकर के 7 नंबर पॉइंट आ जाएगा, और सेम ही 4 से जो 6 नंबर पॉइंट है वो होगा। अब ये जो दो पॉइंट हमने निकाले हैं ये हमने इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमको पहले भी मैंने बाकी स्लीव्स या फिर उसमें ड्रेसेस में बताया हुआ है कि आपके जो फ्रंट और बैक की जो स्लीव आर्म होल की कटिंग होती है वो आपके कम और ज्यादा होती है, जैसे बैक की थोड़ी ज्यादा होती है और फ्रंट की कम होती है, तो उसकी जो शेप देनी है हमको उसके लिए हमने यहाँ पर ये पॉइंट्स लिए हैं। तो आपका 6 नंबर पॉइंट होगा जो आपके बैक पार्ट के आर्म होल के लिए होगा, और जो 7 नंबर पॉइंट है वो आपके फ्रंट के आर्म होल के लिए होगा। फिर उसी अकॉर्डिंग 4 से लेकर के जो 7 का मिड पॉइंट होगा वो आपका बी नंबर पॉइंट हो जाएगा, और बी से जो 7 है वो आपका 0.5 इंचेस रह जाएगा। बस इसको आपको हल्के से कर्व शेप में ड्रॉ कर देना, ये आपके फ्रंट की हो जाएगी, और 5, 6 और 4 ये आपके बैक के आर्म होल की शेप हो जाएगी।
फिर आपके जो 2 से लेकर के 8 नंबर पॉइंट है वो जाएगा आपका हाफ ऑफ स्लीव राउंड, जितनी भी स्लीव राउंड है उसको हाफ कर देंगे तो 0 2 से लेकर के 8 आ जाएगा, और उसके अंदर क्या करेंगे 1.5 इंचेस प्लस करेंगे। अब ये जो हमने प्लस किया है ये हमने हमेशा देखा होगा कि शर्ट के जब कफ अटैच करते हैं तो उसके अंदर हल्की सी प्लीट्स होती है 2, तो उस प्लीट्स को लगाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 1.5 इंचेस का एक्स्ट्रा ले लेते हैं। फिर 2 से जो 9 है वो होगा आपका हाफ इंचेस, ये हल्की सी शेप के लिए किया गया है। और उसके बाद आपको क्या करना है 9 से 8 को स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देना है। फिर 8 से जो 10 नंबर पॉइंट है वो हो जाएगा आपका 9 से 8 का हाफ प्लस हाफ इंचेस। फिर आपके जो प्लेकेट लगानी है वो आपके 10 से 11 नंबर पॉइंट है वो हो जाएगा आपका 1/6 चेस्ट, जितनी भी चेस्ट है उसको आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 10 से 11 नंबर पॉइंट। उसके बाद हम कफ देख लेते हैं कि कफ आपका कैसा, उसके फॉर्मूले क्या होंगे। कफ में आपको क्या करना है, जैसे आपका 12 से जो 14 है वो तो हो जाएगी आपके कफ की लेंथ, जितनी भी कफ की लेंथ दे रखी होगी या फिर आपने जितनी भी लगाना चाहते हैं 2.5 लगाना चाहते हैं, 2 इंचेस लगाना चाहते हैं या 3 इंच रखना चाहते हैं आप उस अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और जो 12 से जो 13 है वो हो जाएगा आपका हाफ 1/4 चेस्ट प्लस हाफ इंचेस, ये आपके कफ की राउंड हो जाएगा पूरा। बस यही चीज सारे जो 12 से 13 है वही आपका 14 से 15 हो जाएगा, और जितना 12 से 14 होगा वही आपका 13 से 15 हो जाएगा। और जो कफ की ग्रेन लाइन होती है वो आपके क्रॉस ग्रेन होती है और ऑन फोल्ड पे बनेगा, और सेम स्लीव की जो ग्रेन लाइन होगी वो स्ट्रेट रहेगी और ऑन फोल्ड पे रहेगा। लेकिन कफ की जो कटिंग लाइन है वो आपके डबल हो जाएगी, जैसे हमेशा फोल्ड होता है कफ बीच में आपके, या तो आप पेस्टिंग यूज करते हैं या फिर बुकरम यूज करते हैं वो आपका यूज होगा, और कट 2 होंगे जैसे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड का। अब आपके कॉलर्स देख ले, कॉलर में आपके 0 से लेकर के जो 1 है वो हो जाएगा आपका 2.5 इंचेस, और जो 1 से लेकर के 2 है वो आपका हो जाएगा 1.5 इंचेस। जैसे जो भी आपके स्टैंड होता है वो आपका थोड़ा सा पतला होता है और जो आपका फ्लैप होता है वो आपके चौड़ा होता है, तो उस अकॉर्डिंग 0 से 1 रखा है हमने 2.5 और 1 से लेकर के 2 रखा है 1.5। फिर उसके बाद 0 से लेकर के जो 3 है वो जाएगा आपका हाफ ऑफ नेक प्लस 0.5 इंचेस, जितनी भी नेक दे रखी है उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे और उसके अंदर 1.5 सेंट इंच प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 3। और सेम सारे पॉइंट्स रहेंगे, जैसे 1 से लेकर के 4 भी वही रह जाएगा और 2 से लेकर के जो 5 नंबर पॉइंट है वो भी सेम है, तो इन सबको अटैच कर देंगे एक साथ और इस तरीके से एक बॉक्स तैयार कर देंगे। जितना भी आपका 1 से लेकर 0 से लेकर के 3 रहेगा उतना 1 से लेकर के 4 को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे और सेम 2 से लेकर के 5 को, और ये तैयार हो जाए। अब इसकी शेप देखते हैं, फिर आपके 4 से लेकर के जो 6 है वो हो जाएगा 1.5 इंचेस और सेम रहेगा 5 से लेकर के 7, फिर इसको एक बॉक्स बना देंगे। उसके बाद जो आपके 8 से लेकर के 7 है वो होगा आपका 0.5 इंचेस, ये शेप देने के लिए किया है, और सेम हो जाएगा आपका 5 से लेकर के 9 नंबर पॉइंट है वो आपका हो जाएगा 2 इंचेस। अब आप इसको 8 से लेकर के हल्की सी शेप से मिला सकते हैं, जो 9 से लेकर के 10 है हमारा वो आप 0.5 इंचेस भी रख सकते हैं और इसको शेप दे देंगे। उसके बाद जो आपका 6 से 11 नंबर पॉइंट है वो भी हो जाएगा आपका 0.5 इंचेस, और 11 से जो 12 है वो भी 0.5 इंचेस हो जाएगा। अब हमने जो 4 से लेकर के 13 नंबर पॉइंट लिया है वो आपका हो जाएगा 1/4 इंच, और इसको आप हल्की सी शेप में ड्रॉ कर देंगे और 13 को 1 से मिला देंगे। तो ये तो हो गया आपका पूरा स्टैंड का पार्ट, जितनी भी स्टैंड की शेप देनी है वो हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो ऊपर हमारा फ्लैप आएगा उसकी शेप कैसे देंगे। तो आप 3 से लेकर के जो 14 नंबर पॉइंट है वो तो जाएगी आपके 1 इंचेस में, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे इसको एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे जो आपका 13 नंबर पॉइंट पहले से हमारा आ रखा है उसके साथ में, और 14 से जो 15 है वो आप चाहें तो जितना भी आपको फ्लैप की शेप रखनी है जैसे 1 इंच रखनी है 0.5 इंच रखनी है उस अकॉर्डिंग इसको एक्स्ट्रा ऊपर ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आप इसको हल्की सी ड्रॉ कर देंगे। आपका यहाँ पे जो 1 से लेकर के 16 नंबर पॉइंट है वो हो जाएगा आपका 0.5 इंचेस या 1 इंच का, और इसे आप 13 के साथ अटैच कर देंगे। तो ये आपके स्टैंड
जो भी स्टैंड है और जो भी उसके ऊपर फ्लैप है उन दोनों की शेप आ जाएगी। इनकी जो ग्रेन लाइन है वो हम क्रॉस ही रहेगी, क्योंकि चाहे बेल्ट हो, चाहे कफ यूज करें, चाहे कॉलर यूज करें, इनकी ग्रेन लाइन हमेशा क्रॉस ग्रेन होती है और ये ऑन फोल्ड पे रहेगा। ये तो थी आपके पूरे कॉलर की ड्राफ्टिंग और ये शर्ट। यहाँ पे उनके पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जैसे हमने पॉकेट मार्क यूज किया था, जो आपके फ्रंट में पॉकेट यूज होती है वो, और आपके स्लीव पार्ट है, कफ में कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए, कौन से पॉइंट्स है, और ये कॉलर का पूरा जो भी स्टैंड और आपका फ्लैप है, दोनों एक साथ अटैच है, तो दोनों के फॉर्मूले और पॉइंट्स दे रखे हैं। आप यहाँ से नोट डाउन करके समझ भी सकते हैं। आज की ड्राफ्टिंग में मैंने शर्ट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके सारी ड्राफ्टिंग बताई है, आप उसे आसानी से समझ भी सकते हैं और उनकी पेपर पैटर्न कट करके, उनकी कटिंग करके स्टिचिंग भी सीख सकते हैं। शर्ट एक फॉर्मल यूनिफॉर्म है, आप इसे कॉलेज में, स्कूल्स में, चाहे तो ऑफिस वर्क में या नॉर्मल भी पहन सकते हैं। ये दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और कंफर्टेबल भी रहती है, तो आप इसकी ड्राफ्टिंग से ही काफी अच्छे से उसका पेपर पैटर्न भी कट कर लेंगे और इसकी कटिंग भी सीख सकते हैं। आई होप आज की जो ड्राफ्टिंग है वो आप लोगों को इजीली समझ में आएगी और आप इसके थ्रू काफी अच्छे से शर्ट की कटिंग करना सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ, एक नई ड्राफ्टिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।